हे नमस्कार, मैं रवि। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। आज हम जानेंगे, जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त पार्टीशन क्रिएट करते वक्त काफ़ी कंफ्यूजन होती है। कौन सा पार्टीशन कितने जीबी का रखे, कौन से पार्टीशन को फॉर्मेट करें, कौन से पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल करें, इस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में मैं डिटेल में क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो। पार्टीशन क्रिएट करने का प्रोसेस सभी विंडो में सेम ही होता है। पार्टीशन क्रिएट करते वक्त ये जो पार्टीशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ये आपको दो तरह से दिख सकते हैं। पहला ये कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ पहले से इंस्टॉल्ड है और आप किसी रीज़न से उसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं नया विंडो, या आपका विंडो करप्ट हो गया, आप विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, उस केस में आपके कंप्यूटर में 2-3 पार्टीशन पहले से ही बने हुए होंगे। और दूसरा केस ये कि जब आप अपने कंप्यूटर में नया हार्ड ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं, उस वक्त एक ही पार्टीशन होगा जो कि अनलोकेटेड होगा। उस हार्ड ड्राइव से आप नया पार्टीशन बना के विंडो इंस्टॉल करेंगे। पहले केस में जब आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं, उस वक्त पार्टीशन क्रिएट करने का जो विंडोज़ ओपन होता है, यह 3-4 पार्टीशन आपको दिखेंगे। पहला जो पार्टीशन होता है जिसमें लिखा होता है सिस्टम रिजर्व्ड, यह पार्टीशन सिस्टम ऑटोमेटिक बनाता है, तो इसे कुछ भी नहीं करना, इसे रहने देना है। दूसरा जो होता है पार्टीशन 2, ये सी ड्राइव होता है हमारा। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्टीशन होते हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे आपको केवल सी ड्राइव फॉर्मेट करना है, तो सी ड्राइव सेलेक्ट करके यहाँ ड्राइव ऑप्शन ओपन कर लेंगे, यहाँ फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको डी ड्राइव भी फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ई ड्राइव भी फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पूरे पार्टीशन को डिलीट करके फिर से बनाना चाहते हैं, तो एक एक पार्टीशन को सेलेक्ट कर ले, यहाँ से डिलीट कर ले, नया पार्टीशन बनाने के लिए न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी जीबी का पार्टीशन बनाना है वो टाइप करेंगे। जैसे मुझे 100 जीबी का सी ड्राइव बनाना है, तो मैं यहाँ 100 लिखूँगा और 30 बिठा दूँगा। दूसरा ड्राइव भी मुझे 100 जीबी का ही बनाना है, जब आप तीसरा ड्राइव बनाएंगे तो यहाँ कुछ भी टाइप ना करें, ये ऑटोमेटिक जितना है वो ले लेगा। अब यहाँ अप्लाई करें, हमारा तीनों ड्राइव क्रिएट हो चुका है। अब आप एक एक ड्राइव को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, नहीं तो जब विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद भी आप ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जिस भी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करना है उसे सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मुझे सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करना है, तो मैं सी ड्राइव सिस्टम रिजर्व्ड के नीचे वाला सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। दूसरे केस में जब आप नया हार्ड डिस्क में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। यहाँ से आपको नया पार्टीशन क्रिएट करना होता है, तो नए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जितने भी जीबी का पार्टीशन बनाना है उतना टाइप करेंगे। जैसे कि मुझे 100 जीबी का पहला पार्टीशन बनाना है, तो मैं यहाँ 100 लिखूंगा और 30 बिठा दूंगा। दूसरा पार्टीशन भी मुझे 100 जीबी का बनाना है, तो मैं यहाँ 100 लिख के 30 बिठा दूंगा। तीसरे वाले पार्टीशन को मैं पूरा ही रहने दूंगा। मुझे सी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करना है, तो सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं और पार्टीशन फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।